नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक पूरा कर लिया था। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज से हम बीच बीच में संस्कृत के विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है महाकवि कालिदास। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। कालिदास। महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई है। कालिदास का काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया है, अतः अन्य कवियों ने उनकी रचनाओं के आधार पर ही उनका काल निर्धारण तथा समय निर्धारण किया है। कुछ लोगों ने उनके ग्रंथों में शिव की स्तुति होने के कारण उनको कश्मीर का निवासी बताया है। उज्जैन नगर का वर्णन भी उनके ग्रंथों में मिलता है। उसके अनुसार कालिदास उज्जैन नगर के निवासी थे, अतः जन्मस्थान उज्जैन। कालिदास की उपाधियाँ। कालिदास की उपाधियों में दीपशिखा, कविता कामिनी विलास, ये वाली उपाधि ने जयदेव ने दी थी, रघुकार, रघुवंश की रचना होने के कारण को रघुकार की उपाधि दी गई थी, उपमा सम्राट आदि। कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य थे। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो आगे हम देखेंगे कि कालिदास जी का विवाह कैसे हुआ, ये भी एक किंवदंती है। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। तो जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझ कर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। तो चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा नहीं। तो उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। तो उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी से आपको उनका उत्तर देंगे। तो फिर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। तो विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती है जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत में एक उंगली दिखाई कि ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध से उन्होंने दो उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही है कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है कि उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व तो पाँच है, तो कालिदास को लगा कि वह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने मुट्ठी दिखाई कि तू मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं मुट्ठी मारकर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तो कपटियों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही है कि तत्व पांच अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप से कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। तो विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों साथ होते हैं तो उसी समय ऊँट का स्वर सुनाई देता है। तो विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती है कि मेतत, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे इसलिए उनके मुंह से निकल गया उष्ट्र।
उस समय विद्योत्मा को पता चल गया कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में ही जगह दी। तो जो पहला वाक्य था अस्ति, उससे कुमार संभव की रचना की। तो कुमार संभव का प्रारंभ होता है अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, जो इसका मंगलाचरण है। तो दूसरा शब्द था कश्चित, जिससे उन्होंने मेघदूत की रचना की। तो मेघदूत का प्रारंभ कश्चित से होता है। अगला वाक्य था अस्ति, तो रघुवंश की रचना इन्होंने अस्ति शब्द से की। तो कवि कालिदास ब्राह्मण जाति के थे तथा शैव थे। श्रृंगार रस को कालिदास का प्रिय रस माना जाता है तथा प्रिय छंद उपजाति अनुष्टुप इनका प्रिय छंद है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है और उपमा कालिदासस्य यह उक्ति भी प्रसिद्ध है। प्रसाद गुण का अधिक प्रयोग किया गया है और इनकी शैली कालिदास के सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। तो एक उक्ति भी है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। तो महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य है, एक रघुवंश, दूसरा कुमार संभव। 2 गीति काव्य है, एक मेघदूत, दूसरा ऋतुसंहार। 3 नाटक लिखे हैं उन्होंने, एक मालविकाग्निमित्र, दूसरा विक्रमोर्वशीय और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतल। कालिदास की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतल। तो लघु त्रयी में कालिदास के 3 काव्य आते हैं, पहला कुमार संभव, दूसरा मेघदूत और तीसरा रघुवंश महाकाव्य। आगे आप देख सकते हैं, इनका मैंने संस्कृत में भी परिचय लिखा है, अगर कोई लिखना चाहता है तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।